अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टाइल में कांदा पकोड़ा वाली कड़ी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं रेसिपी, पर उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं और क्या क्या मसाले लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कली लहसुन, आधा टुकड़ा जिंजर और 5 से 6 हरी मिर्ची। अब हम इसको ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरा धनिया और आधा टुकड़ा खोपरा। तो ये महाराष्ट्र स्टाइल में कड़ी है इसलिए इसमें खोपरा डलता है। और यहाँ पे हम सब मसाला पहले पीस लेंगे ताकि लम्स ना पड़े। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, चने का आटा, और साथ ही में एक कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है दही। और मैं ये जो कड़ी बना रही हूँ ये मैं छाछ में बनाती हूँ कड़ी। तो साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब छाछ ली थी जिसको हमने गैस पर पकने रख दिया है। और जब थोड़ा इसमें उबाल आ जाएगा उसी में हम ऐड करेंगे हमारा मिक्स करा हुआ, हमारा ग्राइंड करा हुआ मसाला। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है गाइस। मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ वो बहुत ही इजी, सिंपल एंड क्विक रेसिपी होती है। तो प्लीज़, इतनी मेहनत करती हूँ मैं उसके लिए, प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और आप ये रेसिपी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। तो यहाँ पे हमने सब मसाला ऐड कर लिए थे। साथ ही में जो मिक्सर ग्राइंडर था उसमें पानी डाल के आप जितना भी मसाला है सब ले लीजिएगा। और यहाँ पे साथ ही में हम ऐड करेंगे नमक और अब हम इसको बॉईल होने तक अच्छे से पका लेंगे। स्टार्टिंग में आप इसको पहले हाई फ्लेम पे रखिएगा 4 से 5 मिनट तक, और फिर बाद में आप इसको मीडियम आँच पर रख लीजिएगा, पकने दीजिएगा इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमें साथ में पकोड़े बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे ले लिया कांदा, हरी मिर्ची, ज़ीरा और हरा धनिया। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भजिए। तेल अच्छे से गरम हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे भजिए। यहाँ पे हम कांदे भजिए बना के कड़ी में डालते हैं तो आहा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और साथ में राइस के साथ तो कड़ी का जवाब ही नहीं होता है, जो छाछ वाली कड़ी बनती है आहा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अब भजिए हमारे पक गए हैं, अब हम इसको कड़ी में ऐड कर देंगे और उसके बाद अब हम इसको देंगे तड़का। हम बहुत सारी भजिया कड़ी में ऐड कर देते हैं और साथ में 2-4 जो भजिए होती है कांदे की वो हम ऐसे ही रख देते खाने के लिए। तो यहाँ पे हम करते तड़के की प्रिपरेशन। जो ऑयल था जिसमें कड़ी हमने ऐड कड़ी तली थी, अरे सॉरी भजिया तले थे, हम वही ऑयल ले लेंगे, ऑलरेडी गरम था वो ऑयल। साथ ही में हम यहाँ पे ऐड करेंगे लहसुन, ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता और अखी लाल मिर्ची। अब हम इसको दे देंगे तड़का। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है गाइस। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए गाइस। बहुत लेट मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, प्लीज़। बच्चों को संभालना, वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर वॉइस ओवर करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट गाइस, प्लीज़ यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। तो यहाँ पे हम आप कड़ी को दे देंगे तड़का। आहा, जो खुशबू आ रही थी ना गाइस, काश मैं आपको बता सकती थी फ़ोन में से कि जो खुशबू आ रही थी कड़ी की, बहुत ही टेस्टी कड़ी थी हमारी। और यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे स्टीम राइस के साथ। ये देख लीजिए कड़ी का जो टेक्सचर है, जो दिखने में कड़ी हमारी लग रही है, आप भी बताइएगा कैसी लगी। साथ ही में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे कड़ी चावल इट्स रेडी। ये देखिए भजिया हमने जो एक्स्ट्रा उठा के रखा था, अब हम इसको ऐड करेंगे चावल के साथ। आहा, तो यहाँ कड़ी चावल हो गया रेडी। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है गाइस। तो प्लीज़ आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।